हम भाई जतनो दिने नि साल बेला के नि इम्पोर्टेन्ट साल ते खा खाइ जे जतनो ति बाकी उम्मीद करती हु सब ये अच्छी हो ठीक है। बाबा करे का आशीर्वाद से यीशु कृष्ण का आशीर्वाद से की ती प्रा भूमि में ती प्रा माती प्रा शरीर का आशीर्वाद से सभी अच्छी हूं। तो आज मैं एक मीडिया में आ रही हूं, बहुत दिनों की बाद मीडिया में बहुत सवाल आ रही है। आज का दिन में पाताल जी क्यों घर हाजिर हुआ, पाताल जी क्यों कुछ चुप रहा, पाताल जी को ढूंढ के नहीं मिला, जो नफरत का राजनीति कर रही है आज कहां खो गया। तो जनता में और नेता और जनता सब कहीं एक सवाल है, पाताल जी को क्यों नहीं देख रही हो, पाताल जी नफरत करने वाला राजनीति आज कहां खो गया है, सबका जवाब हर दिन में सुनना मांग रही हूँ मुझसे। तो इसलिए आज ये मीडिया में मैं आ रही हूँ। तो पहली सबको मैं नमो करती हूँ, जो तो खाका हूँ जा या करो ते मूल मुद्दा हुआ ये है, आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो में पाताल जी का ऊपर जितना जो क्वेश्चन सुन रहा है, पाताल जी का ऊपर जितना क्या है लोगों का कन्फ्यूशन जो सलारी है, ये सब मैं क्लेरिफिकेशन देने के लिए आज मीडिया में आया। और मीडिया बंधु लोग भी बहुत मुझे फोन करके बार बार पूछा है, मैडम आप क्यों नहीं इलेक्शन कैंपेन में नहीं देख रही हो, क्यों नहीं आपको मिल नहीं पा रही हो, मीडिया में कुछ बोलना चाहिए, ये सब हर दिन में मेरे पास चार पांच मीडिया का एक क्वेश्चन आ रही। तो इसलिए मैं सोचा था आज के दिन में मैं मेरा जनता का साथ टिपरा पीपल का साथ सब साथ मैं एक शेयर करता हूँ। तो तीन संगा हाँ बगे ना आसो तब कौ हाय लुकुर पाता लुको ना तमने बगे आसो कोई दुखा ते लुकुर मियाफर ओम पीओ अंगा प्रदोत किशोर ओम पीओ इलेक्शन कैंपेन नि बगे जनसभा खाई था क्या सोशल मीडिया वायरल नुखा कबांगा सोशल मीडिया आंगो मुसारिया कैसे कैसे सोशल मीडिया के कबांगा से निको बर सोशल मीडिया वो वायरल के नुखा आन जे पाताल कोना प्रदुन्न तयै नफरत राजनीति खायै तिनि बियां थांखा नायतु बुइ नुते लिया अबरनि जवाब न खनाकै लुकुर जतन खातौ थुक जाय आलो सिंहखा तांगै प्रदुन बिजेपी ओ फाइमानि ओलोग तांगै पाताल कोना न पार्सल गाटा खायना नांग आज यही क्वेश्चन सवाल आ रही है लोगों का पास। प्रदुन बीजेपी ने आकर टिकट लिया, बीजेपी का घर में आकर शामिल हुआ और बीजेपी में आने के बाद भी बीजेपी का सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करने के लिए किसने इनको पावर दिया, किसने इनको पावर दिया, बीजेपी इनको सुधारने के लिए इनको टिकट दिया, डेवलपमेंट करने के लिए इनको टिकट दिया, लेकिन बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करना वो कहा का राजनीति ये फिर रिमाइंड कर रही हो जनता को। तो जनता मुझसे पूछ रही है प्रदोत आदि भी आपका ऊपर क्यों अटैक है, पर्सनल अटैक है, तो इसका जवाब मुझे भी जरूर देना है क्योंकि आप सब जानती है प्रदोत का दलाली राजनीति, प्रदोत का ब्रोकर राजनीति। प्रदोत जब से त्रिपुरा में आया तब से जाति का जाति को डिवाइड एंड रूल, व्यक्ति व्यक्ति को डिवाइड एंड रूल, पार्टी पार्टी को डिवाइड एंड रूल, इनका मकसद ही ऐसा है। नफरत किसने फैला रही है, ये त्रिपुरा मिट्टी में त्रिपुरा भूमि में राजनीतिक हिसाब से अपना अपना पार्टी का एजेंडा को लेकर हाँ चैलेंज करता हूँ, एजेंडा को लेकर चैलेंज करता हूँ, लेकिन कभी ऐसा परिस्थिति क्रिएट नहीं हुआ त्रिपुरा में जो जाति को जाति डिवाइड करते हो, जमातिया रियांग देवबर्मा कोलोइड और व्यक्ति को व्यक्ति, व्यक्ति का व्यक्ति के अंदर में लड़ाई करते हो, बंगाली का पास जाकर कहते हैं बंगाली को होताना वाला पता करना बीजेपी में बैठ रहा और फिर भी प्रश्न में जाकर कहती हो मैं भी प्रसा के लिए काम करूंगा पोला जाति वाला पार्टी। तो इस तरह जो धालाजी नटन की राजनीति करने वाला प्रदो वो आज बीजेपी में शामिल होने की बात भी नहीं सुधरा। मैं प्रदोत को आज चैलेंज करती हूँ, प्रदोत को मैंने आज चैलेंज के साथ और क्वेश्चन भी सॉल्व भी रखती हूँ। बीजेपी का थाली में बैठ के खाकर बीजेपी को गाली देने वाला तुम जैसा नतों की बात पब्लिक पहचाना कोई बाकी नहीं रहा। तो इसलिए आज पूरा पब्लिक के सामने में प्रदोत को एक ही बात सुन रही हूं, जितना तुम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या है ना, जाति का जाति व्यक्ति का व्यक्ति पार्टी का अंडर जनजाति जनजाति सब का बीच में जितना तुम नफरत फैले रही हो, ये नफरत का क्षमा अगर नहीं मांगे
दीपाशा का पास अगर क्षमा नहीं मांगे और अगर कमिटमेंट नहीं दिया दीपाशा का दीपाशा को और दिवाली लोन नहीं करेंगी, तब तक तुम लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत दूर के बात है। सपने भी मौत से सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए आज मैं एज ए बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, अगर बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आज ही अगर शुरू कर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए, इनको अगर पावर दे तो किसको किसको और अटैक करना बाकी रहेगा, उसका नतों की तो हम लोग देख चुका। तो इसलिए मैं जनजाति लोगों को भी अपील करूंगा, जनजाति को जितने भी ठगाई किया है वो ठगाई का जवाब देना आज का ये दिन है। जब तक ये ठगाई राजनीति को हम लोग अनार करेगा वो और भी ठगाई करेगा, एक को नहीं छुड़ा वो सबका साथ ही ठगाई किया। तो ये ठगाई बाजी राजनीति में जुमला राजनीति, जुमला राजा, राजा का नाम से ये बदनाम है। ये राजबारी का राजा का इतिहास को कलंक बना रही है, ये कलंक का राजा राजनीति टीप्रसा हम लोग कलंक का राजनीति में घुस रही है। आज तो सब पता चला है, पहले से पाताल करना का पीछे कितना कॉन्स्पिरेसी किया, संक्रांत किया, आज इस संक्रांत में सब जनजाति लोग समझ गए। हम लोग का जनजाति समाज को सीधे जनजाति बड़ा ब्रह्म खूब न पशाई की विवेक था हानिया सीधरा सोयताल কিন্তু প্রদুত ফ্যামিলি পরিছে মাওয়ালাইখা আপনি বাগাই ও দফা বাই দফা কথা রাইতো না মুসুখে দফা বাই দফা বলা ইয়াকে তোমা মুসুখে কাইসে নে অঙ্কল কাইসে নাঙ্গ ইসে প্রপ্রপন দফা না ডিভাইডেন রুল খাইনে নি মুসুখে আং খাংকে প্রদুত নি দালালি লস তাবক জবাব রওয়ানি জরা আং ক্লাসি মাস সংসং জাগ গণতন্ত্র নি যুগ রাজতন্ত্র রাজ পরিবার ন রেসপেক্ট রোমানিকা গণতন্ত্র নি অপমান জবাব মারো নাই প্রদত জবাব মারো নাই বহুত জনতা জনজাতি নি আন্দার নিজে মানে যে ডিভাইডেড রোল খাই গৈ আছে যে বরকন ব বিভ্রান্ত খাই তো মানে এই জনজাতি বরক রঙত ইব আছে খাই গৈ ওই নিসন সানে কসাগ সংগ্যা সায়া হামিয়া সিত্রা ফুলুক মানে আপনি জবাব রজাক নাই জরা আপনি বগাই যত রাখু বুকু রোনাং কবু অতি প্রহাস যত কথাই ফেমেনি সাউ সায়া জুগা জরাগ যতন খানসা কি সং তো ফানে মানে কিন্তু প্রদো খানসা নিব মতে গু মনকে খানসা ইয়াং কবলে বিশি বিশি ওকে আঙ্কে সকাকসা সকাকসা সাবল সকাকা নিরে মুখা আগে কোন দিন সিনে দা রঞ্জিত সংগ্রহ কোন দিন জমাতিয়া দেব মানে পক্ষে কিন্তু তিনি তিপ্রাম থাকি মাস সাবলি কারণে প্রদো কি কারণে তিনি প্রশ্নই ছ সরাই 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 কাহা কাহা রো তিনি মুখক সিদ্ধান্ত কি আন্দোলন মা খাইতে সাবলি কারণে প্রদো কি কারণে কে বলে মুসুক নিজে নি লাইফ নো সে হানিয়া সিটা শয়তান গুন্ডা মস্তানি বদমাশ নি কে বলে মুসুক কে বলে বুসানা সামনানি কিন্তু প্রদুনি কারণে মাংখা আর তো সব সিনে স্লাইড অফ শিবাইকা আমনে বাগনে প্রদেব সাবন ব্রং সঙ্গে তো খ যে পাতাল কে না নফরা দাসি দি খাই নফরা দাসি রাসি সব খাই প্রদুত তংসা অতি তহা নফরা তংাই আমনে বাগনে নফরা কে সঙ্গে হতাও খানে কাকে প্রদুর না সিপিলা হতাও মা খাই আমনে বাগাই প্রদুর নি যে নফরা দাসনিটি বতে ওই সেই লিগেশন রইতো গো বইন নফরা গাসিন দেখাই হনাই আবনি আং স্ট্রং কন্ডেম খাইগ আবনি ক্ষমা যদি সৈন্যাং খাংকে নিনি এফএনসি পা সাপোর্ট খাইজে নাহি ইমাং সাতানু আবনি বগনে তিনি নি অপ্রেস মিট আবনি বগে বিজেপি নি রাংসা গরি বিজেপি নি টিকেট না গরি বিজেপি না তে ওইসা হামিয়া হনাই বিজেপি আছে বুকায়া আরে বিজেপি সাবধান বিজেপি সাবধান বিজেপি মে আগর বিজেপি কো লোড দে কে লিয়ে আইয়া প্রদু বিজেপি কো দালালি করবে কে লিয়ে আইয়া इनको सावधानी से चलना में मेरा बीजेपी कार्यकर्ता लोग को भी मैं अपील करता हूँ, क्योंकि ये लूटने के लिए आया बीजेपी को प्रेम कर से प्रेम करके नहीं आया, बीजेपी को सम्मान करने नहीं जा, अभी भी नहीं पता लोगों को सम्मान करना अभी भी नहीं पता, जिसका पास सम्मान नहीं है जिसका पास ऑनेस्ट नहीं है इनको अगर हम लोग पावर दे तो और भी वो घोटाला और लूटने के लिए वो मौका मिलेगा। तो मैं एज ए बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट मैं मेरा बीजेपी पार्टी को सुरक्षा देना मेरा जिम्मेदारी है, जब तक मैं बीजेपी हो गोताला को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, गोताला का एंट्री करने के लिए मैं कभी भी एक इंच भी सपोर्ट नहीं करूंगा, यही मेरा सीधा राय है। तो इसलिए मैं बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आज बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर ही वो पर्सनल अटैक कर सकती है, मेरा बीजेपी के ऊपर वो क्या करेगा,
तो मेरा जिम्मेदारी बनती हो मेरा बीजेपी को सेफ सिक्योरिटी देना। और ये घोटाला बस अगर बीजेपी में आकर घुस गया तो वो घोटाला बस और भी करेगा, डिवाइड एंड रूल और भी करेगा, त्रिपुरा को भी शांत नहीं होगा। तो मैं ये अपील करता हूँ, सावधान त्रिपुरा लू। थैंक यू ऑल। बीजेपी इनको दे रही है सुधरने के लिए, बीजेपी दे रही है इनको डेवलपमेंट करने के लिए, बीजेपी को अपमान करने के लिए तो बीजेपी नहीं दिया। अमित शाह जी ने इनको क्यों लाया? अमित शाह जी के पास सरेंडर करके आया और सरेंडर करने के बाद वहां पे आकर दादागिरी देखा नहीं है। किसने उनको पावर दिया पर्सनल करने के लिए पार्टी के अंदर में घुस के? अभी तो बीजेपी फ्लैग नहीं पकड़ा, प्रोदो बीजेपी फ्लैग पकड़ा, सिर्फ टिकट लूप से कारण से आया। ईमानदारी से आया है क्या? वो तो लूबिंग से कारण से आया। हम लोग बीजेपी में एंट्री हुआ, मुझे प्रेसिडेंट दो, मुझे ऐसा दो ऐसा दो, कोई आया? हम लोग मोदी को सपोर्ट करने के लिए आया, मोदी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, देश ताकि आगे बढ़े, सबका साथ सबका विकास हो। लेकिन उन्होंने तो ऐसा करके नहीं आया, ईमानदारी कौन है? तो वो आने के बाद अभी वाइस प्रेसिडेंट को अटैक कर रही है। तो मेरा जिम्मेदारी बनती हो मैं वाइस प्रेसिडेंट, मेरा बीजेपी को सपोर्ट करना, ऐसा घोटाला बस को मैं बीजेपी है नेता, इसको सपोर्ट करना, इसको खुलासा करना मेरा दायित्व है। अच्छा, ये नहीं है अपना वो शिष्य महले अपने निवेदन সেটা তুলে ধরবেন কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে বিষয়টা? অবশ্যই নিব, আমি অলরেডি অলরেডি আমি ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি, আমাদের সব অফিস বিয়ারার সব জায়গাতে আমি ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি, বাকি কি হবে সেন্ট্রাল দেখবে। কিন্তু আমার তাই তো এখনই এখন তো আগে পিএসি আনবো, কালকে যে বলছে এক ঘন্টা আগে দিয়েছে, আর কত কিনা বলছে অজানা, এটা প্রেস মিডিয়াতে আছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি, আর অজানাতে তার কি যে বক্তব্য হচ্ছে আমি সেটা তো বুঝি না। তো যদি প্রকাশ্যে সভাতে এরকম করতে পারে তাহলে আমি বিজেপি কে রক্ষা করার জন্য বিজেপি মোদি মুখ কেউ যদি নিয়ে আসে উনাকে আমি মোদি ভাববো? আমার জিমিনদারি বলছি না, আমি আমার জিমিনদারি আমার বিজেপি তাকে ভালো করার জন্য দিচ্ছি। যদি ভালো করার নাম নিয়ে এন্ট্রি নিয়ে যদি ধ্বংস করতে আয়ে তাহলে নো এন্ট্রি। ম্যাডাম সিনা সিনাবা কমমা বরমনি কক্সিল জামো যেটা দিস ইলেকশন ক্যাম্পিং গো লোকসভা ইলেকশন ক্যাম্পিং গো দুদা খাই নন ক্যাম্পিং গো অংখর মানে নুলিয়া নিংতাং এ অংখরিয়া অসমনি ফিরম কিছা রুক মানম আপনা না তাবক সাইতে লো কি প্রমোথা বিজেপি ও ফাইকা বরমনি সেহারা পদে পালতো কি নাই মানে পালতো কি বরং তি প্রমত বিজেপি ফাইমেন করে গো তি প্রমত আমি বিজেপি বুলাই কম তাহলে বুলাই কমালে বিজেপি নিয়ে বিজেপি নিয়ে পার্টি মিটিং খাইনা সেরা না তি প্রমত খালি ওদা নাই সীমা খাই নাই ফুল আগে সে বিজেপির কত কোন আলো দেখে শাও লাগে ম্যাডাম হাই 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 আঁকা বড় সুদ্র সুদ্র বুঝে পাই কেমন সুদ্র গিয়া সে গোডালা বাস লাবালি বিনি বাগে সি ফাই এটা না অ্যালায়েন্স ফাই কে কাহাম কক যত ফাই আমি সাথে বলো ওয়েলকাম ফাই কাবলে অ্যালায়েন্স ফাই প্রো আমি ওয়েলকাম দেখাই খাই আসলে ক্রিটিসিনা থেকে তারপরে বাল ওয়েলকাম খাই খা সতীশ কোনে তুই ফাইরা ফাইকা তো ওয়েলকাম খাই খা কিন্তু ওয়েলকাম খাইছে মানে বড় বুঝলে বুঝিয়া বেলু বুঝিয়া ওল্টা পাতা দিন আছে এটা খালি দেবো বিশিং বিশিং খাং সালাই পাতা কিনে নিয়ে এগেন সব প্রকাশ্য সব সব পাতা কিনে নিয়ে এগেন সব তাহলে বাক পাতা কিনে নিয়ে পাতা কিনে নিয়ে এগেন সব পাতা কিনে নিয়ে কাউন্টার খাই না বাগে বড় বিজেপি হাফায় প্রশ্ন কি তা বক্স বিজেপি খাইকা বিজেপি না আদর্শ মানে বিজেপি আদর্শ মানে আঙ্কা বিজেপি গন মহারানী কীর্তি সিং দেব বর্মা বিজেপি ওকে দেখে শুনে নাই সম্ভব।